निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। यह न्यूज पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 20 जनवरी 2022 का, पटना का संस्करण पेज नंबर 1 यानी फ्रंट पेज पे ही लिखा गया है। और ये शिक्षक बहाली से संबंधित है, उनके नियुक्ति पत्र से संबंधित है। इसका हेडिंग बनाया गया है, मंत्री बोले 25 फरवरी को ही, यानी 25 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। सब हेडिंग है, शिक्षक भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को दिया भरोसा। आगे लिखा गया, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर भरोसा दिया कि परेशान न हो, समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, आगे देखिए लिखा गया है, पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन इकाइयों में 460 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। मुख्यालय से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्रों पर ही होगी। 28 फरवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। यानी पहला चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखा है 22 से 25 क्या होगा, जिला मुख्यालय में होगा क्योंकि प्रखंड लेवल पे है। और पंचायत वाला जो है वो 28 फरवरी को कहाँ होगा, उसके ब्लॉक पे होगा। 1200 पंचायत वो कितने हैं, 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर होगी। काउंसलिंग की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पिछले 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। बाद में पंचायत चुनाव के कारण 3रे चरण की काउंसलिंग कराने की अनुमति नहीं मिली। अब काउंसलिंग पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र देने की तिथि भी तय कर दी गई है। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ताकि एक ही वैकेंसी से बहाल हो रहे शिक्षक बाद में नियुक्ति पत्र मिलने से जूनियर नहीं रह जाए। तो अच्छी बात है और ये गुड न्यूज है कि जो इन्होंने कहा वो कर भी रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इतने तारीख से काउंसलिंग होगा, उतने तारीख से काउंसलिंग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नियुक्ति पत्र के लिए फिर बोले हैं कि वो 25 फरवरी को ही दिया जाएगा। सब कोई पॉजिटिव रहे, निश्चित रूप से आपको नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को मिलेगा। तो यही विशेष था और ये विशेष वीडियो बनाने का यही कारण है कि अब शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव बोले हैं तो कुछ तो बनना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको भी नियुक्ति पत्र चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाबा। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।